if your child is weak in maths, right? He's good in let's say in English, but he's weak in maths. What do you do? You get somebody who help him out, right? And any shame in that? ये entrepreneurs का ego है. मुझे कौन सिखाएगा? You could have grown phenomenally. You could have made much more money than what you could have, what you are making right now. You could have saved a lot of time for yourself. उस time से आप बहुत कुछ कर सकते थे जो आप actually करना चाहिए. But just this zid of yours, एक आपकी जिद है कि नहीं, मैं अपने बलबूते पे सीखूंगा. If somebody is good in sales, तो उसका sales का vertical business में बड़ा strong होगा. बाकी उसका फाइनेंस का, उसका प्रोडक्शन का, उसका ऑपरेशंस का वीक होगा. जो ऑपरेशंस बड़ा स्ट्रांग होगा, उसका ऑपरेशंस का वर्टिकल बड़ा स्ट्रांग होगा, बिकॉज दैट्स ही कम्स फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. एंड बाकी सारे वर्टिकल्स वीक होंगे. एंटायर गेम ऑफ बिजनेस इज नॉट अंडरस्टूड. दिस स्ट्रेंज काइंड ऑफ ईगो, मेनी मेनी ऑफ देम. और उस चक्कर में हम सालों साल गवा देते हैं. समथिंग विच मेड यू एन एंटरप्रेन्योर, दैट वेरी थिंग यू स्टॉप. वॉट मेड यू एन एंटरप्रेन्योर? द वेरी एबिलिटी ऑफ योर्स टू टेक अ रिस्क. एम आई राइट? You took a risk. You said, I don't want a secured income. मुझे एक fixed salary नहीं चाहिए, मुझे एक fixed income नहीं चाहिए. मैं अपना पैसा कमाऊंगा, मैं अपनी insecurity के साथ जीऊंगा. ये आपने कहा था खुद को when you left the job or when you plunged into entrepreneurship. और उस समय आपके पास कुछ नहीं था दांव पे लगाने को, और तब आपने बहुत कुछ लगाया. आज इतना कुछ लगाने को है, हम लगाते नहीं.